बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम पुलिस टेस्ट तैयारी का पार्ट 48 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज है हमारे उन भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी मालूमाती वीडियोज आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं सवालों की तरफ। हमारा पहला सवाल है, देखिए दोस्तों, फिट इज टू किक एज फिस्ट इज टू। अगर हम किसी को पांव के साथ मारते हैं तो वो किक कहलाता है। अगर हम किसी को फिस्ट मारते हैं, फिस्ट कहते हैं दोस्तों मुक्के को, अगर हम मुक्का किसी को मारे तो वो पंच कहलाता है। तो अगला हमारा सवाल है, पेंट आर टेस्ट और वोट के आगे उसने सवाल निशान लगा दिया है। देखें, पेंट जो है उसका ताल्लुक आर टेस्ट से है। पेंट आर टेस्ट क्रिएट करता है और वुड क्या चीज क्रिएट करती, जो लकड़ियां होती हैं दोस्तों उनसे हम फर्नीचर बनाते हैं। तो अगला हमारा सवाल है, देखिए दोस्तों, 3z 6y 9x 15w। अब w के आगे वो कहते हैं कौन सा फिगर नंबर आएगा। देखें दोस्तों, 3 के साथ 3 प्लस के और 6 के साथ 3 प्लस के 9 के साथ उसने अब 6 प्लस किए हैं, तो ये हो जाएंगे 15। अब 15 के साथ हम भी 6 प्लस कर देंगे क्योंकि यहां उसने 3 दो दफा प्लस किए हैं, तो अब हम 6 को भी आगे प्लस कर देंगे। 15 के साथ हम 6 प्लस करते हैं, यहां पे जो आएगा वो 21 आएगा। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें, विच वन ऑफ द फोर इज लीस्ट लाइक द अदर, वो कहता है इनसे मुख्तलिफ कौन सा है। देखें, डॉग इसके पांव होते हैं, माउस के भी पांव होते हैं, लायन के भी पांव होते हैं, और जो स्नेक है इसके पांव नहीं होते। इन तीनों से जो मुख्तलिफ है वो यही स्नेक है। तो अगला हमारा सवाल है, देखिये दोस्तों, लीव्स आर टू ट्री, जो लीव्स पत्ते होते हैं वो दरख्तों पे होते हैं, एज बीज आर टू, और जो बीज हैं शहद की मक्खियां हैं, इनका ताल्लुक कहाँ होता है, हाइव से होता है। हाइव कहते हैं दोस्तों छत्ते को। तो अगला हमारा सवाल है, देखिए दोस्तों, सना सेव 2500 पर मंथ, वो कहता है सना सेव करती है 2500 एक महीने में, हाउ मच ही विल सेव इन वन ईयर। अब वो कहता है एक साल में वो कितना सेव कर पाएगी। देखिये दोस्तों, एक साल में होते हैं 12 महीने, 2500 जरा 12 करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा 30,000, वो एक साल में 30,000 सेव करेगी। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें, आ ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100 km/h, वो कहते हैं एक ट्रेन है जो मूविंग कर रही है 100 की स्पीड से, एक घंटे में 100 किलोमीटर करती है, एट स्पीड एंड मीटर पर सेकंड, वो कहते हैं इसकी स्पीड और मीटर पर सेकंड मालूम करें, यानी वो एक सेकंड में कितने मीटर कर रही है। तो इसका फार्मूला ये है, देखें दोस्तों, फर्स्ट जो km है हमने इनको मीटर में तब्दील करना है। देखें दोस्तों, 1 km में 1000 मीटर होते हैं, 100 × 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,00,000 मीटर, वो एक घंटे में 1,00,000 मीटर करती है। अब ये घंटा है जो, इसको हमने सेकंड में तब्दील करना है, एक घंटे में कितने, 60 × 60 करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 3600। 1,00,000 × 3600 करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा दोस्तों वो 27.70, यानी वो एक सेकंड में 27.70 मीटर कर रही है। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें, द प्राइस ऑफ 3 फुटबॉल एंड 5 टेनिस बॉल इज 305, द प्राइस ऑफ 5 फुटबॉल एंड 2 टेनिस बॉल इज 350, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 फुटबॉल। वो कहते हैं 3 फुटबॉल और 5 टेनिस बॉल की जो कीमत है वो 305 है, और 5 फुटबॉल और 2 टेनिस बॉल की कीमत 350 है, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 फुटबॉल, एक फुटबॉल की कीमत मालूम करें, एक फुटबॉल कितने की है। दोस्तों, ये थोड़ा लंबा सवाल है, मैंने इसे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया है, बहुत आसान, आप वहां जाके देखे, और भी मैथ के बहुत से सवाल आते हैं, आप उनको देखे, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। तो अगला हमारा सवाल है, देखें दोस्तों, 3 × 2 − 3 = 4, तो फर्स्ट हम दोस्तों जो मैथ का असूल है हम तकसीम करते हैं, उसके बाद जरब, उसके बाद जमा, उसके बाद माइनस। अब यहां देखिए तकसीम तो है नहीं, हम जरब करेंगे, −3 = 4 तो ये आ जाएंगे −12, 5 ये बनेंगे फिर 3 + 2 ये बनेंगे प्लस के, यानी जमा के 5, −12 से जब जमा के 5 हम माइनस करते हैं दोस्तों तो ये हमारा जवाब आएगा −7, −7, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें,
अगला हमारा सवाल है, देखिए दोस्तों, x की पावर 2 प्लस 3 माइनस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इज इक्वल टू 2। अगर वो कहते हैं x 2 के बराबर हो तो x की वैल्यू मालूम करें, x की क्या कीमत आएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ x की कीमत है 2, 2 की पावर 2 हम लिख देंगे क्योंकि x की जगह 2 लिख देंगे क्योंकि x की पावर 2 है, जमा 3 और फिर माइनस x है तो यहाँ हम माइनस 2 लगाएंगे, x की कीमत है जो 2 है। देखें दोस्तों, 4 2 ज़रा 2 ये हो जाएंगे 4, प्लस 3 करेंगे ये हो जाएंगे 7, माइनस 2 करते हैं तो ये हमारा जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो 5 है, यानी 5 इसका राइट ऑप्शन है। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें अगला हमारा सवाल है, देखें इन दी नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान हैज कॉमन बॉर्डर, शुमाल मशरक में पाकिस्तान के शुमाल मशरक में कौन सा मुल्क वाकई है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के शुमाल मशरक में चाइना वाकई है। तो अगला हमारा सवाल है, व्हेन वाज़ द फर्स्ट सार्क कॉन्फ्रेंस हेल्ड, सार्क की जो पहली कॉन्फ्रेंस है वो कब मुनक़िद की गई थी, ये 1985 को हुई थी। तो अगला हमारा सवाल है, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड, पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास की गई, ये 23 मार्च 1940 को। अगला हमारा सवाल है, देखिए दोस्तों, व्हेन 4 यूनिट मर्ज इन 1 यूनिट, पाकिस्तान को 1 यूनिट कब बनाया गया, जो 4 प्रोविंसेस हैं उनको 1 यूनिट में कन्वर्ट किया गया था, ये 1955 में ऐसा किया गया था। तो अगला हमारा सवाल है, व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड, इंडिया छोड़ दो जो मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुई, ये 1942 में स्टार्ट की गई थी। तो अगला हमारा सवाल है, इन विच ईयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट, जंग आजादी कब लड़ी गई थी, ये 1857 में लड़ी गई थी। तो अगला हमारा सवाल है, व्हेन डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड, पहली जंग अजीम कब स्टार्ट हुई, तो दोस्तों ये 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में खत्म हो गई। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें मुस्लिम बाग इज फेमस फॉर, मुस्लिम बाग किस लिए मशहूर है, दोस्तों ये क्रोमाइट के लिए मशहूर है। तो अगला हमारा सवाल है, विच वन इज द लार्जेस्ट ओशन, दुनिया का सबसे जो बड़ा समंदर है दोस्तों वो पैसिफिक ओशन है। तो अगला हमारा सवाल है, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है, इज स्टेटेड इन सूरा, ये बयान या ये किस सूरा में आया है, तो दोस्तों ये अल फातह में आया है, ये जो स्टेट है स्टेटमेंट अल फातह में है। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें मस्जिद किबलातैन इज इन, ये जो मास्क है दोस्तों ये कहाँ है, ये मदीना में वाके है। तो अगला हमारा सवाल है, सोशल बायकॉट ऑफ बनू हाशिम टुक प्लेस इन -90, जो सोशल बायकॉट बनू हाशिम का किया गया था वो 7 नबवी को किया गया था और ये 3 साल तक जारी रहा। तो अगला हमारा सवाल है, कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट एट हुदैबिया वार, हुदैबिया के मौके पर नबी पाक सल्लम के कितने साथी थे, तो ये 1400 थे। तो अगला हमारा सवाल है, हजरत डैश प्रपोज्ड अजान फर्स्ट टाइम, हजरत उमर इसका राइट आंसर है, हजरत उमर ने फर्स्ट अजान प्रपोज की थी। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें ओनली साहबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट, वो कौन से साहबी थे जिन्होंने नबी पाक को नहीं देखा था लेकिन उनको साहबी का दर्जा दिया गया है, तो दोस्तों वो हजरत अवेस करनी थे। अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें अगला हमारा सवाल है, देखिए दोस्तों, सिनोनिम ऑफ डेलिजेंट, डेलिजेंट कहते हैं मेहनती को, इसका जो सिनोनिम बनेगा दोस्तों वो हार्ड वर्क बनेगा। तो अगला हमारा सवाल है, डैश यू कॉल योर फ्रेंड यस्टरडे, आगे सवाल या निशान है, देखें दोस्तों यहाँ यस्टरडे है, क्या आपने कल अपने दोस्तों को बुलाया, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो अगला हमारा सवाल है, सिनोनिम ऑफ वेस्टाइज, वेस्टाइज कहते हैं जर्रे को, इसका जो सिनोनिम बनेगा दोस्तों वो ट्रेस बनेगा। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें अपोजिट ऑफ अबैंडन, इसका अपोजिट क्या बनेगा, आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें चूज द करेक्ट स्पेलिंग, हमने यहां से करेक्ट जो स्पेलिंग है वो चूज करने हैं, इंटेग्रिटी ये करेक्ट स्पेलिंग है, इसका मतलब है अच्छा ही। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसके तमाम पार्ट्स देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां जाके देख सकते हैं। थैंक यू।